कि आपको जानकारी क्या दी गई थी कि सिर्फ मौके पर टाइम पर जानकारी दी गई थी क्या? मौके पर जानकारी नहीं दी गई थी, मेरे को बाद में जानकारी दी गई है कि हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जबकि जो इंसिडेंट था वो हो चुका था ऑलरेडी और उसको हुए हुए टाइम हो चुका था। बच्चा जो है वो गिरा है, उसके कपड़े गीले हैं, ये कहते हैं कि बच्चे का टॉयलेट निकला है। ऑन अदर हैंड आई हैव अ डाउट, नॉट डाउट ओनली, आई एम सर्टेन ऑन दिस थिंग कि वहाँ पे कुछ पानी वगैरह गिरा हुआ था जो स्कूल वाले हाइड कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ बता नहीं रही हैं हम लोगों को। और टीचर भी नहीं, क्लास टीचर जिसके सामने हुआ है सारा इंसिडेंट वो खुद नहीं आई है, जान के उसको हाइड किया गया है, उसको बाद में लाइट में लाया गया है। हमारे 100 बार रिक्वेस्ट करने के बाद शी केम इन टू द पिक्चर और उसने हमें बाद में बताया है कि ऐसे ऐसे मैंने अरमान को देखा था, वो गिरा था, उसने मेरे पास था, वो उसने आंखें उस समय फेर ली थी, बट मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरे बच्चा इतना वीक नहीं था। You have seen the body, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा, उसके कपड़े सारे गीले हैं, आई एम 100% श्योर ऑन दिस कि पानी गिरा हुआ था वहाँ पे और वो वहाँ से स्लिप हुआ है जी। तो अब क्योंकि ये देखिए दुखद घड़ी है, हम फिर भी ये सवाल जरूर पूछेंगे, लापरवाही आप कानूनी लड़ाई इसमें लड़ेंगे? 1000% इसके अंदर स्कूल की लापरवाही है और हम स्कूल के आगे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक ठीक।